हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा चैनल फाल्कन स्टडीज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए स्पेशल इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं, इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड करने का कोशिश किया हूं। तब तक मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन का सीरीज मैं पहले कर चुका था और 20 के बाद यानी 21 से लेकर 40 तक आज हम इसमें देखेंगे। तो 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखिए दोस्तों, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन आपको हम बता चुके थे कि चेयरमैन इसका जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, चेयरमैन इसका जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन का। अभी आपको जो क्वेश्चन है ये आपको क्या है, डिप्टी चेयरमैन का बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पे होगा नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर होता ही नहीं है, कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ पे आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों नन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं। तो डिप्टी चेयरमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इसका डिप्टी चेयरमैन हमारा कौन होता है प्लानिंग कमीशन का। तो इज द प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, इज द प्लानिंग मिनिस्टर ये भी नहीं होगा, इज एन इकोनॉमिस्ट फॉर रिप्यूट ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, होल्ड्स द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनमें से ही एक को डिप्टी चेयरमैन का भार दिया जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि जो हमारा लास्ट, कहने का मतलब अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, तो लास्ट प्लानिंग कमीशन जो हमारा था, तो लास्ट प्लानिंग कमीशन का जो हमारा डिप्टी चेयरमैन कौन था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो आपको आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपको मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इनका पूरा नाम हुआ मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इंडिया में नहीं है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया का इंडिकेटिव प्लानिंग जो था वो, तो हमारा कहने का मतलब है कि इसका एम क्या था, क्या इंश्योर करता है, पहले देखते हैं। प्लानिंग मैकेनिज्म से फैसिलिटेटरी रोल, बिल्कुल सही जवाब। प्लानिंग मैकेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड सप्लाई, बहुत अच्छा, ये भी सही है। प्लानिंग मैकेनिज्म कंसर्न इटसेल्फ विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल सही जवाब। प्लानिंग कंसर्न इटसेल्फ विद लेइंग डाउन रोड डायरेक्शन इन विद द इकोनॉमिक शुड मूव, फोर्थ नंबर भी करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन हमारा कितना होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 1, 2, 3 एंड 4 सभी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इसमें आपको तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप क्या है पढ़िए और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आता है उसको आप सेट करने का कोशिश कीजिए। तो हम बात करते हैं कि द हाईएस्ट डिसीजन बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट डिसीजन बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, क्या यह स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिसाइडिंग जो बॉडी जो है इंडिया का, तो इसमें आपको फर्स्ट जो नंबर पे जो आपको यहाँ पे था वो पार्लियामेंट था। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा क्या है, ये हमारा पार्लियामेंट है। सेकंड नंबर पे जो था हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो 1952 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और थर्ड नंबर पे हमारा प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे आता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये हमारा जो स्टेटमेंट है, हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन, तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज द कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा क्या है हम समझते हैं कि आखिर ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। तो देखिए ये आपको, देखिए इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, ये जो हमारा दो वर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इसको हम क्या है कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं, कंकरेंट लिस्ट में हम इसको रखे हैं। और कंकरेंट लिस्ट में कितने आइटम होते हैं, 52 आइटम। इन कंकरेंट लिस्ट में हमारे कितने हैं, 52 आइटम्स है। और ये 52 आइटम्स में 20 नंबर पे है, ये हमारा क्या है 20 नंबर पे हम क्या है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में रखे हैं। और ये जो है हमारा 7th शेड्यूल, ये हमारा कितना है 7th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया है। तो 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग आर। अब यहाँ पे देखिए कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन प्लानिंग का, इंडियन प्लानिंग जो हमारा कमीशन जो गठित किया गया था उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए,
सेल्फ रिलायंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फोर्थ नंबर हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सो 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपको क्या होगा, सही होगा। एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाई, जो हमारा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको कैसे हम कैरेक्टराइज्ड करते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही जवाब है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल हमारा क्या है, सही जवाब है। उसके बाद लो डिपेंडेंसी फिगर, लो डिपेंडेंसी मतलब कहने का मतलब कम डिपेंड रहना उसके, ये तो हमारा बिल्कुल, क्योंकि अंडर डेवलप्ड में तो ये डिपेंड रहते हैं। वर्किंग फोर्स लार्जली इन द टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जिसमें होता है डेवलप्ड होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो इंडिया जो है उसमें 70% जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर में, इसीलिए जो हमारा इंडिया जो होता है वो हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में हमारा आता है, डेवलपिंग कंट्री में इंडिया को हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर भी हमारा इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक कंटेस्ट इंप्लाइज दैट अ कंट्री, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर इकोनॉमिक में, इसका मतलब क्या है। पहला देखिए, मिट्स इट्स डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन से सभी कंट्री के डिमांड और सर्विसेज पूरा हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट सम ऑफ इट्स गुड्स बट डज नॉट नीड्स टू इम्पोर्ट एनीथिंग, बिल्कुल गलत है। हैज सफिशियंट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व टू बाई ऑल इट्स नीड्स, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। सफिशियंट हमारे पास क्या है, एक्सचेंज होना चाहिए फॉरन एक्सचेंज। मिट्स इट्स डिमांड फॉर सर्टेन विटल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एंड 4 इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो 3 and 4 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following gives an accurate measurement of economic development through 5-year plan? अब यहाँ पे accurate measurement कौन करता है, हमारा जो economic development हो रहा था 5-year plan के through, उसका accurate measurement कौन करता है। तो देखिए, National Development of Education and Health Services, बिल्कुल क्या है हमारा गलत जवाब है। Development of Railway and Roadways, बिल्कुल हमारा क्या है गलत जवाब है। Rise in National Income and per capita income, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन, अब पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंट किस फील्ड में है, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हमारा कमर्शियल बैंकिंग के क्षेत्र में है दोस्तों। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा इंडिया में जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था इकोनॉमिक प्लानिंग को इनिशिएट करने में, वो किसके द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता, वल्लभ भाई पटेल, विश्वेश्वरैया जवाहरलाल नेहरू। तो आपको आंसर तो आपका इन विश्वेश्वरैया, 1934 में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 1934 में इन्हीं का सबसे पहले प्लान आया था। अब इसको मैं डिटेल से आपको बताने का कोशिश करता हूं कि आखिर कौन कौन से प्लान आए हैं और कब हमारा प्लानिंग कमीशन किस किन प्लानों के बाद एस्टैब्लिश किया गया है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड, तो देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी, सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी हमारा सेटअप किया गया था 1938 में, सबसे पहले हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया था 1938 में, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, वहां पे कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, और नेशनल प्लानिंग जो कमेटी जो सेटअप किया गया था वो प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में ये आपको नेशनल प्लानिंग कमेटी को गठित किया गया, सेटअप किया गया, और कब किया गया है 1938 में। उसके बाद हम बात करते हैं बॉम्बे प्लान। तो हमारा जो बॉम्बे प्लान जो था वो हमारा कितना है 1944 में हमारा क्या है बॉम्बे प्लान होता है, और ये हमारा क्या है बॉम्बे प्लान जो था उसमें क्या है 8th इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ क्या है बॉम्बे, कहने का मतलब है कि बॉम्बे के 8 इंडस्ट्रियल जिनका नाम आपको था मिस्टर जेआरडी टाटा, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका नाम जो था मिस्टर जेआरडी टाटा, उसके बाद जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, लाला श्रीराम, कस्तूरबाई लाला भाई, एडी श्रॉफ, आरदेसिर दलाल एंड जॉन मथाई, ये हमारा 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर एक प्लान प्रिपेयर किया था जिसका नाम था अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइन अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, और इसी को हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान के फॉर्म में हम इसको जानते हैं। उसके बाद जो हमारा आया एमएन रॉय, उसके बाद हमारा जो आया वो हमारा एमएन रॉय का पीपल्स प्लान, कौन सा आया एमएन रॉय का पीपल्स प्लान। तो हमारा पीपल्स प्लान जो था हमारा वो ड्राफ्ट किया गया था एमएन रॉय के द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा पीपल प्लान को ड्राफ्ट किया गया था, और इसमें जो है मेन फोकस एग्रीकल्चर पे किया गया था, इसमें जो है आपको मेन फोकस एग्रीकल्चर पे किया गया था, जो कि इसमें आपको कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो सभी एग्रीकल्चर का नेशनलाइजेशन और जो उनका प्रोडक्शन जो है वही इस प्लान का मेन फीचर था। तो एमएन रॉय का जो प्लान जो आपको आया था एमएन रॉय का प्लान, उसमें मेन इसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, और इनका जो मेन फीचर जो था कि कैसे हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के नेशनलाइज करें और प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको गांधीयन प्लान, उसके बाद जो प्लान आया उसका नाम क्या था हमारा गांधीयन प्लान आया था। तो गांधीयन प्लान जो था ये हमारा श्रीमन नारायण के द्वारा ये हमारा ड्राफ्ट किया गया था, जो कि वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वर्धा कमर्शियल कॉलेज के हमारा
प्रिंसिपल थे और इन्होंने सबसे ज्यादा इम्फेसाइज किया है डिसेंट्रलाइजेशन, जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था डिसेंट्रलाइजेशन, उस पर सबसे ज्यादा इम्फेसाइज किए हैं। और इनका प्राइमरी जो मतलब एम था उसका था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप कर सके, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने में मेन इनका फोकस रहा है। उसके बाद जो आया हमारा सर्वोदय प्लान हमारा 1950 में आया। ये कब आया? सर्वोदय प्लान 1950 में आया, जो जयप्रकाश नारायण जो थे उन्हीं के द्वारा ये हमारा फॉर्मुलेट किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। और ये जो प्लान जो था ना वो इंस्पायर्ड था किसके थ्रू? गांधीयन प्लान और सर्वोदय प्लान, सर्वोदय आइडिया। जो गांधीयन प्लान जो इसके पहले जो आपको बता चुके श्रीमान नारायण के द्वारा आया था, और हमारा जो सर्वोदय आइडिया जो था जो विनोबा भावे का था, इससे इंस्पायर्ड होकर सर्वोदय प्लान लेकर आए कौन? जयप्रकाश नारायण। और इसका जो मेन एम जो था वो एग्रीकल्चर और स्मॉल जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है उनको क्या करना? डेवलप करना। उसके बाद हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया 1944 में। ये हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बनाया गया, जो ब्रिटिश उस समय के ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया, जो इसके अंदर जो चार्ज जो दिया गया वो आरदेशीर दलाल को दिया गया था। लेकिन ये डिपार्टमेंट को 1946 में इसको एबोलिस्ट कर दिया गया था, इस डिपार्टमेंट को 1946 में एबोलिस्ट कर दिया गया था। और उसके बाद हमारा आया प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड। प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड जो आपको 1946 में इसको सेटअप किया गया था, जो भी मतलब प्लानिंग आगे का क्या करना है, नहीं करना है, फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट होगा, उसके आधार पर इसको बनाया गया था। और इसके बाद हमारा 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया, और उसके बाद हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर जो होगा दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इनिशियल इकोनॉमिक प्लानिंग, वो आपको एम विशेषार्या के का ही हमारा प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने डिसेंट्रलाइजेशन पे, जिसको पंचायती राज सिस्टम जो हम फोकस करेंगे, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को रिकमेंड किया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि जो हमारा फर्स्ट प्लान में क्या आया, सेकंड प्लान में क्या आया। देखिए फर्स्ट प्लान जो है, फर्स्ट प्लान में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी था हमारा, ये हमारा इसका ए का हमारा आंसर होगा। सेकंड प्लान में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोड़ दिए थे, तो यहाँ पे सेकंड का हमारा क्या हुआ, बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। जो थर्ड प्लान जो था ना वो हमारा एक्सपेंशन ऑफ क्या है ना, बेसिक इंडस्ट्री, यानी कहने का मतलब है कि सी का हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा डी जो है वो डी का हमारा कितना हो जाएगा, फोर्थ प्लान में अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी डी का 5। और फिफ्थ प्लान जो था यह मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसको अगर हम मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, जो 36 का आपको आंसर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। उसका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर रिसोर्सेज, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ही जोड़ दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे। अब याद यहाँ पे रखिए कि इंडिया के पास हम बोले थे आपको कि 3 5 ईयर प्लान आए थे, उसके बाद क्या हुआ 1966 से लेकर 69 तक, ये हमारा प्लान हॉलीडे के फॉर्म में हम क्या करते हैं, बात करते हैं प्लान हॉलीडे के फॉर्म में। 1966 से लेकर 69 तक क्या था हमारा प्लान हॉलीडे। तो बोल रहा है कि प्लान हॉलीडे जो था कब आया था, इंडो चाइना वॉर 1962 में बिल्कुल नहीं हुआ था, आफ्टर द लिबरेशन बंगला 97 तो बहुत बाद हो गया, आफ्टर द इंडियन पाकिस्तान 96, देखिए एक ड्रॉट आया था 1966 में, और इसी के बाद हमारा क्या प्लान हॉलीडे किया गया था। मेनली ये बात तो इंडिया चाइना वार के भी इसमें था, शामिल था 62 में 65 में, और ये हमारा ड्रॉट जो आया 66 में, तो उस समय इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, इसीलिए 96 में हमारा क्या हुआ इसको सेटअप नहीं किया गया था। 1966 से 1969 तक ये हमारा प्लान हॉलीडे के फॉर्म में हम करते हैं, यहाँ पे एक एक साल का हमारा सेटअप किया गया था, जो भी मतलब प्लानिंग था वो 1 ईयर के लिए ही सेटअप किया गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों, रोलिंग प्लान वाज डिजाइन फॉर द पीरियड। अब यहाँ पे एक नया आपको प्लान आ रहा है रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान जो था वो आपको कब कौन से पीरियड में इसको डिजाइन किया गया था, तो रोलिंग प्लान को समझने के लिए सबसे पहले इसके हम थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं कि आखिर में रोलिंग प्लान क्या था। क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा आप समझिएगा कि जब जनता पार्टी जब हमारा सत्ता में आई थी, कहने का मतलब है कि जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब बनी थी, तो जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी थी तो जो हमारा फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था जो जिसका ड्यूरेशन आपको था 1974 से लेकर 79 तक, ये हमारा फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का ड्यूरेशन है, इसको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। और टर्मिनेट कब किया था, 1977 से लेकर ये हमारा 78, इसमें इन्होंने क्या है टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट कर दिया इन्होंने, टर्मिनेट करके अपना खुद सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान इन्होंने अपना खुद ही एक प्लान सेटअप किया। कब? 1978 से लेकर 83 के लिए इन्होंने अपना ही एक प्लान सेटअप किया था, और इसी को रोलिंग प्लान बोलते हैं। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान बोलते हैं।
इसी को हम रूलिंग प्लान बोलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और इसका हिस्ट्री जानने का कोशिश करेंगे कि इससे इफेक्ट क्या हुआ था। कहने का मतलब है कि इससे हमारा इफेक्ट, मतलब रूलिंग प्लान से हमारा इफेक्ट क्या हुआ था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ था कि एक मिनट मैं इरेज कर लूं, हाँ दोस्तों, तो इसका जो हमारा हम बात कर रहे हैं कि इसका जो हमारा इफेक्ट जो था वो हमारा इफेक्ट इफेक्ट हमारा क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम के कारण जो मोरारजी देसाई इस समय जो सरकार जो थे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हमारे क्या है, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को पॉलिटिकल प्रॉब्लम के कारण इनको फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के लिए। क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के लिए। और ये रिजाइन करने के बाद इनके जो सक्सेसर थे, इनको फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के लिए। और इनके जो सक्सेसर थे जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह, जो इनके सक्सेसर थे, मात्र 170 डे तक ये हमारा क्या है ऑफिस में रहते हैं और एक पार्टी में अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है ना पेश नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट्री जो हमारा मेजोरिटी जो है उसको एक मतलब क्या है फेल हो जाते हैं, वो हमारा मेजोरिटी सेटअप मेजोरिटी वो नहीं दिखा पाते हैं, तो इसीलिए इनकी गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गिर जाती है। और फिर से हमारा क्या हुआ, न्यू इलेक्शन करवाया जाता है और उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी कमबैक करती है। इंदिरा गांधी फिर से क्या है आती है, उनकी सरकार बनती है और हमारा 1980 में इनकी सरकार बनती है। और जो उसके बाद फिर से हमारा जो प्लानिंग जो हमारा 6th 5-year plan जो था वो सेटअप इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। और इसका ड्यूरेशन 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च ये हमारा कितना है 85 तक ये हमारा सेटअप करती है। तो दोस्तों ये रोलिंग प्लान का थोड़ा सा हिस्ट्री था जो मैं आपको बताया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 1978 से लेकर 83 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों, द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर। अभी हम आपके इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बताएं। यहां पे पूछ रहा है कि जब रोलिंग प्लान का जब स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया गया था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसका आंसर दोस्तों आप खुद कमेंट में दीजिए, मोरारजी देसाई। इसका जो आंसर जो होगा मोरारजी देसाई। तो दोस्तों यही 40th क्वेश्चन था हमारा और उसके बाद हम जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का फिर से सीरीज लेकर आएंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा और जरूर जैसा भी सजेशन हो आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।